मख्तलिफ एक वर्ड आएगा, इसका मतलब होता है डिफरेंट, विभिन्न। तो बड़े मख्तलिफ हैं अपने बयाए अंदाज से, बड़े मख्तलिफ हैं अपने बयाए अंदाज से, कितना चिल्लाता हूँ फिर भी कुछ लोग जुदा हैं मेरे आवाज़ से, कितना चिल्लाता हूँ और जिसके लिए इतना चिल्ला रहा हूँ उस तक मेरी बात नहीं पहुँच रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ताली के द्वारा उस तक बात पहुँच जाए। और बड़ा गर्मी का माहौल हो गया है तो गर्मी पे दो पंक्तियाँ लिखी थी कि कुछ गर्मियाँ इसलिए भी सुहाना है, कुछ गर्मियाँ इसलिए भी सुहाना है, आंसुओं को पसीने का बहाना है, आंसुओं को पसीने का। और अब अपनी एक गजल शुरू करना चाहता हूँ। अर्ज किया है कि इतना भी तुम्हें इख्तला नहीं है क्या, इख्तला मतलब नोटिफाई, इतना भी तुम्हें इख्तला नहीं है क्या, काफिरों का कोई खुदा नहीं है क्या, इतना भी तुम्हें इख्तला नहीं है क्या, काफिरों का कोई खुदा नहीं है क्या, इश्क फकत जिस्म की तुरपाई है क्या। इश्क आज के जनरेशन पे लिखा है कि आजकल लव क्या हो गया सब लोग जान रहे हैं, तो उस पर लिखा है कि इश्क फकत जिस्म की तुरपाई है क्या, इश्क फकत जिस्म की तुरपाई है क्या, सच बोलने की कीमत जुदाई है क्या। और आगे है कि हर चीज में इतनी महंगाई है क्या, ये मेरी सबसे फेवरेट पंक्ति, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हर चीज में इतनी महंगाई है क्या, तवायफें अपना जिस्म बेच के आई है क्या, तवायफें अपना जिस्म बेच के आई है क्या, ख्वाबों में बजती उसकी सहनाई है क्या, ख्वाबों में बजती उसकी सहनाई है क्या, यादों में मर रहा हूँ कोई दवाई है क्या। और जो कहा जाता है कि आज के टाइम में जिसको जब काम रहता है तभी आपसे अच्छी अच्छी बातें करेगा, तो उस पर लिखा है कि जवां से शहद टपक रहा है मिठाई है क्या, जवां से शहद टपक रहा है मिठाई है क्या, जवां से शहद टपक रहा है मिठाई है क्या, कुछ मतलब के काम की दुहाई है क्या, कुछ मतलब के काम की दुहाई है क्या। और जानते हैं कि आशिक लोग कैसे जाम पीते हैं अपनी प्रेमिका की आंखों से, तो उस पर लिखा है कि आंखों से भर रहे जमाई हो क्या, आंखों से भर रहे जमाई है क्या, इतनी नशीली उसने जाम पिलाई है क्या, इतनी नशीली उसने जाम पिलाई है क्या। और मरने को बेताब होके आई हो क्या, लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई वो नहीं मिले हम जा रहे हैं मरने, तो उस पर लिखा है कि मरने को बेताब होके आई हो क्या, किसी के असर की जुदाई है क्या, किसी के असर की जुदाई है क्या। और होता है कि जब ब्रेकअप हो जाता है हमारा, कुछ दिन बाद उससे मिलते हैं तो पूछती है कि कैसे हो, तो एकदम मुस्कुरा के अपन बोलते हैं कि हाँ अपन एकदम फाइन है, मतलब बहुत हंसी खुशी जिंदगी चल रही है। तो उस पर लिखा है कि उससे मिलन पे मुस्कुराई हो क्या, उससे मिलन पे मुस्कुराई हो क्या, मुझसे मिलन पे मुस्कुराई हो क्या, दिलों में बड़ी तन्हाई है क्या, दिलों में बड़ी तन्हाई है क्या, और आंखों में समंदर से ज्यादा गहराई है क्या, आंखों में समंदर से ज्यादा गहराई है क्या, कभी तो डूब रहा हूं मैं ये सच्चाई है क्या। और वो चली गई, वो चली जा चुकी है तो बोल रहा हूँ कि और वो चली गई ये सच्चाई है क्या, लेकिन उसका याद ऑलवेज रहता है हमारे साथ, वो चली गई तो क्या हो गया, तो लिखा है कि वो चली गई ये सच्चाई है क्या, वो चली गई ये सच्चाई है क्या, फिर भी साया जैसे उसकी परछाई है क्या, फिर भी साया जैसे उसकी परछाई है क्या। और आखिरी दो पंक्ति है कि क्यों जा रही हो छोड़ के, रुसवाई है क्या, ऐसे जनरली बोल के जाती है कि हाँ प्यार वगैरह नहीं है, लेकिन होता है उसको भी है, बहुत सारी मजबूरियाँ भी होती हैं। तो उसमें लिखा है कि आदमी झूठ बोलता है तो थोड़ा शक पकाता है झूठ बोलने में, वो लिखा है कि क्यों जा रही हो छोड़ के, रुसवाई है क्या, क्यों जा रही हो छोड़ के, रुसवाई है क्या, सच पका रही हो सच दवाई हो क्या, सच पका रही हो सच दवाई हो क्या। एक दो शायरी सुना के आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा कि एक शायरी है कि एक प्रेमी के लिए, एक शायर के लिए जीवन और मृत्यु का क्या डेफिनेशन होता है, बस चार लाइनों में आप लोग तक पहुंचाऊंगा। पहले दो लाइन में जीवन का मतलब समझाऊंगा और अंतिम दो पंक्तियों में मृत्यु का। जीवन मेरा कुछ भी नहीं है तेरी यादों की चौपाई, जीवन मेरा कुछ भी नहीं है तेरी यादों की चौपाई, और मृत्यु मेरा कुछ भी नहीं है बस तुझसे मेरी जुताई, मृत्यु मेरा कुछ भी नहीं है बस तुझसे मेरी जुताई। और मैंने जिसकी बातें की हैं उसकी बातें और कहाँ कहाँ होती है, आखिरी चार पंक्तियाँ आप लोगों के साथ रख के विदा लेना चाहूँगा।
मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, इसमें साइंस की भी एक पंक्ति आएंगी, आप लोगों को समझाऊंगा कि खुशियों के वो राग कंठ में उसी की बातें होती हैं, उसका और तेरा में बहुत फर्क होता है, उसका मतलब वो किसी और की है और तेरा मतलब मेरा, तेरा मेरा उसकी उसकी। तो ध्यान दीजिएगा क्या बातें कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि खुशियों के वो राग कंठ में उसी की बातें होती हैं, दुखियों के उस अश्रु क्रम में उसी की बातें होती हैं, खुशियों के वो राग कंठ में उसी की बातें होती हैं, दुखियों के वो अश्रु क्रम में उसी की बातें होती हैं, यादों के आघोष सृजन में उसी की बातें होती है। और आखिरी पंक्ति से बताना चाहूँगा कि हम लोग मर जाते हैं उसके बावजूद भी हमारी आँख जिंदा रहती है कुछ देर तक, ठीक है। तो लिखा है कि खुशियों के उस राग कंठ में उसी की बातें होती हैं, दुखियों के उस अश्रु क्रम में उसी की बातें होती हैं, यादों के आघोष सृजन में उसी की बातें होती हैं, और यादों के उस मृत नयन में, मर गया हूँ फिर भी वो मेरी याद में, लिखा है यादों के आघोष सृजन में उसी की बातें होती हैं और यादों के उस मृत नयन में उसी की बातें होती हैं, यादों के उस मृत नयन में उसी की बातें। धन्यवाद।